किया है यह सीधा सीधा लव जिहाद का एंगल जो है यह सामने नजर आया है और हम सरकार से लगातार यह मांग करते रहे हैं कि सरकार लव जिहाद के ऊपर जो है सख्त कानून बनाने का काम करे ताकि हमारी युवतियों को इस लव जिहाद जैसी घटनाओं से बचाया जा सके। जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार की घटनाएं जो है वो होती हैं और हर बार हम प्रदर्शन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि लव जिहाद के ऊपर सख्त कानून बनाया जाए, लेकिन सरकार क्यों नहीं इसके ऊपर जो है जाग रही और लव जिहाद के ऊपर कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा। जब यूपी जैसा प्रदेश धर्मांतरण और लव जिहाद के ऊपर कानून बना सकता है और उसके अंदर 10 साल की सजा का प्रावधान है तो यहाँ पर क्यों नहीं, जबकि यहाँ पर हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक है और इस प्रकार की घटनाएं जो है वो बार बार देखने को मिलती हैं। और ये नेता लोग जो हिंदू के नाम के ऊपर राजनीति तो करते हैं, जब कोई हिंदू बिटिया के साथ ऐसा होता है तो ये अपने मुंह सील लेते हैं। अब क्यों नहीं कोई नेता बोल रहा, क्यों कोई आवाज नहीं उठा रहा, क्योंकि ये युवती हिंदू थी इसलिए कोई नहीं बोलेगा। तो हम सरकार को ये चेताने आए हैं, सरकार को हम ये वार्निंग देने आए हैं कि जल्द से जल्द लव जिहाद के ऊपर जो है सख्त कानून बनाने का काम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपके द्वारा आज विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है उसको लेकर क्या लगता है आपको, इसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा लव जिहाद के ऊपर? देखिए पुलिस ने सिट का जो है गठन किया है, डीएसपी बक्शीनगर जो है इसके प्रमुख अधिकारी है, जानीपुर SHO उसमें है, उनके साथ और भी सहयोगी जो है इस सिट का हिस्सा है। युवती का पोस्टमार्टम करवाया गया है और ये सारा एंगल जो है खुल के तब आएगा जब युवक होश में आएगा और ये युवक का जो है वो स्टेटमेंट जो है वो पुलिस लेगी। पुलिस ने अपनी तरफ से काम ठीक किया है, लेकिन ऐसी घिनौनी हरकतों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को पहल करनी पड़ेगी और लव जिहाद और धर्मांतरण के ऊपर सख्त कानून बनाने की जरूरत है, जिसकी मांग हम लगातार जो है सड़कों के ऊपर उतर कर जो है वो सरकार से बार बार कर रहे हैं। लेकिन सरकार क्यों नहीं बना यहाँ पर ये कानून बना रही है, जबकि हिंदू यहाँ पे अल्पसंख्यक है। ऐसी घटनाएं हमें बार बार देखने को मिलती है और हम बार बार सरकार से ये अपील करते हैं कि लव जिहाद के ऊपर सख्त कानून जो है वो बनाया जाए। तो फिर सरकार क्यों चुप बैठी है, आज सरकार को चेताने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए।